नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सितार और आपको चैनल में नई नई जानकारी और नई नई चीज़ें बताने के लिए चैनल बनाया है। कृपया आशा करते हैं आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने पैसे बनाने के लिए चैनल नहीं बनाया। कुछ दवाई है, कुछ कॉमेडी, कुछ हंसी मजाक और कुछ भजन, सभी इसमें मिलेंगे। और कुछ मेरी ये प्रार्थना है कि भाई, बहुत सारे लोगों को जो बुज़ुर्ग हैं उनको जोड़ों में वगैरह दर्द रहता है, इसके लिए मैं आपको ये एक घरेलू नुस्खा जो बिगर पैसे के आपके घरेलू काम में आएंगे, और इसी तरह मैं आपको नई नई जानकारी देते रहूँगा। जो मैंने दूसरों पे आजमाइश की हुई है उसका एक रुपया खर्चा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल हंसो हंसाओ पवन सुधार सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। मेरा मकसद ये है को भजनों के साथ कॉमेडी भी हो, लोग मनोरंजन भी करें और हंसते रहो। दोस्तों, दुनिया में हंसने से आपकी आधी बीमारी गायब हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो जोड़ों के दर्द में काम करता है, जिसमें पैरों में जंजन होना, ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप आयुर्वेदिक तरीके से यूज़ करते हैं, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ को आपके किसी भी घर में बुज़ुर्ग के लोगों के जो पैरों में झंझनाहट रहती है, जो दर्द रहता है जोड़ों में, तो अपने सरसों का तेल लें। प्योर सरसों का तेल लेके आपको रात को सोते समय 3 बूंद नाभि में डाल के सोना है। 3 बूंद नाभि में डाल के सोएंगे तो आपको 50% बीमारी नहीं लगेगी, और प्लस आपका जो पैरों में झंझनाहट वगैरह है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो में डालता रहूँगा, जिससे मुझे ये आशा नहीं, सब तक पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन मेरे को आशा है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके बहुत सारे लोगों को काम आएगी। और ये नई नई आयुर्वेदिक दवाएं जो मेरे पास आती रहती है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसलिए कृपया धन्यवाद। मेरे हंसो हंसाओ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।